हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यंग विश्वनाथन आनंद जी का स्पेक्युलेटिव डबल बिशप सेक्रीफाइस दिखाने जा रहा हूं। ये गेम जो है 1987 में खेली गई थी, जहां पे आनंद जी के ओपोनेंट थे हैनु वेगनर। आनंद जी के वाइट पीसेस थे, उन्होंने गेम की शुरुआत की e4 से, c5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट f3, e6, d4 ओपन सिसिलियन, सी कैप्चर्स ऑन d4, नाइट कैप्चर्स ऑन d4, नाइट c6, नाइट c3, e6 एंड बिशप e3 गेम में खेला गया। नाइट f6, बिशप c4, बिशप e7, क्वीन e2। सो ये मूव जो है वो लॉन्ग कैसल इन फ्यूचर प्रिपेयर कर रही है। f6, बिशप b3, और यहाँ पे दोस्तों दोनों ने जो है ऑपोजिट साइड कैसल किया, मतलब ब्लैक ने शॉर्ट साइड एंड वाइट ने लॉन्ग साइड कैसल किया। क्वीन e8 एंड नाउ रुक h2 g1। सो यहाँ पे आनंद जी का प्लान साफ दिख रहा है कि वो जो है g4 एंड g5 खेल के इस नाइट को यहाँ से किक करेंगे। और एक बार नाइट मूव होती है देन यूजुअली आप जो है ओपोनेंट के किंग पे अच्छा अटैक कर सकते हो। नाइट d7 गेम में खेला गया, g4, नाइट c5, g5, b5, नाइट कैप्चर्स ऑन c6, क्वीन कैप्चर्स ऑन c6 और बिशप टू d4 खेला गया। सो इन केस अगर आप यहाँ पे e5 खेलते हो देन d5 स्क्वेयर जो है वो सिंपली वाइट के पीसीस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बिशप d7 गेम में खेला गया, नाउ बिशप d5। सो ये है आनंद जी का दोस्तों पहला बिशप के सेक्रीफाइस, जहाँ पे वो पोन के बदले में अपना बिशप दे रहे हैं। ई कैप्चर्स ऑन d5 और यहाँ पे मारना भी फोर्स है, अगर आप क्वीन मूव करते हो देन रुक जा रहा था। सो पोन कैप्चर्स ऑन d5, नाइट कैप्चर्स ऑन d5, सो थ्रेट है नाइट कैप्चर्स e7 और क्वीन को विन करने की। रुक f2 e8 खेला गया एंड देन क्वीन h5, रुक h2 c8। सो यहाँ पे दोस्तों थ्रेट है माइट बी नाइट टू b3 चेक एंड उसके बाद क्वीन कैप्चर c2 चेकमेट की। सो c3, नाइट e6 और अब आया दूसरे बिशप का सेक्रीफाइस, बिशप कैप्चर्स ऑन g7 और ये काफ़ी बढ़िया सेक्रीफाइस है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप नाइट से भी कैप्चर कर सकते हैं, किंग से भी कैप्चर कर सकते हो। गेम में जो है वो किंग से कैप्चर किया गया। इन केस अगर आप नाइट कैप्चर्स ऑन g7 खेलते हो बट देन नाइट f6 चेक है वो यहाँ पर विनिंग है। पॉइंट है कि बिशप कैप्चर्स ऑन f6 के बाद पोन टेक्स ऑन f6 और अभी देखिए रुक कैप्चर्स ऑन g7 की थ्रेट है, या फिर क्वीन g5 और उसके बाद क्वीन कैप्चर्स g7 की थ्रेट है। एंड से किंग h8 और ये काफ़ी कनिंग मूव है। अगर यहाँ पर आप रुक कैप्चर्स g7 खेलते हो बट देन क्वीन कैप्चर्स e4 और ब्लैक जो है गेम को होल्ड कर सकता है, बट किंग टू h8 के बाद एक्चुअली विनिंग मूव है क्वीन कैप्चर्स ऑन f7। पॉइंट है कि अब मेरी क्वीन कैप्चर्स g7 चेकमेट की थ्रेट है, आप रुक g8 खेल के उसको सेव नहीं कर सकते, अदरवाइज पोन कैप्चर्स ऑन g7 विनिंग है। सो आपको नाइट जो है मूव करना फोर्सेस है, नाइट जाते हो e6 पे बट देन दोस्तों रुक टू d5 और जिसमें ब्लैक को अपनी क्वीन दे देनी पड़ेगी। अगर वो क्वीन नहीं देता है, कुछ और खेलता है ऐसे रुक f8, देन मैं दिखाता हूँ कि आनंद जी की थ्रेट क्या हो सकती थी। क्वीन कैप्चर्स ऑन h7, क्वीन कैप्चर्स ऑन h7 एंड रुक h5 चेकमेट। सो गेम में क्या हुआ दोस्तों, बिशप कैप्चर्स ऑन g7 के बाद ब्लैक ने एक्चुअली किंग से कैप्चर किया और अब नाइट f6, जबकि इस पोजीशन में किंग कैप्चर्स ऑन g7 के बाद क्वीन h6 जो है वो शायद ज़्यादा प्रॉपर था, जहाँ पे गेम कुछ इस तरह से कंटिन्यू हो सकती है किंग h8 बट देन नाइट कैप्चर्स ऑन e7, रुक कैप्चर्स ऑन e7 और अब क्वीन टू जैसे f6 चेक और उसके बाद किंग g8 एंड क्वीन कैप्चर्स ऑन e7 और दोस्तों यहाँ पे गेम जो है वो बैलेंस है। बट आनंद जी है उन्होंने नाइट टू f6 खेला इस पोजीशन में। और दोस्तों वीडियो पॉज करके सोचिए कि यहाँ पे ब्लैक का बेस्ट डिफेंस कौन सा है। रेडी दोस्तों, इस पोजीशन में ब्लैक का बेस्ट डिफेंस है नाइट टू f8, बट गेम में क्या हुआ कि ब्लैक ने बिशप कैप्चर्स ऑन f6 खेल दिया और ये दोस्तों गेम की जो है फाइनल मिस्टेक है, यहाँ से गेम ओवर हो गई। जी कैप्चर्स ऑन f6 एंड नाउ किंग h8 खेला गया। इन केस अगर आप किंग कैप्चर्स ऑन f6 खेलते हो बट देन क्वीन टू h4 जो है वो जस्ट विनिंग है, किंग e5 एंड देन रुक d5 जिसमें क्वीन जा रही है, राइट। बट चलते गेम में जहाँ पर जी कैप्चर्स ऑन f6 एंड किंग h8 खेला गया, अब रुक d5 और यहाँ पे ब्लैक है उसने रेजिग्नेशन दे दिया। सो वीडियो पॉज करके सोचिए कि ब्लैक ने रेजिग्नेशन क्यों दिया, क्योंकि ब्लैक के पास यहाँ पे एक ही बेस्ट मूव है, वो है क्वीन कैप्चर्स ऑन d5, अपनी क्वीन दे दे। रेडी
दोस्तों थ्रेट है क्वीन कैप्चर्स f7, किंग कैप्चर्स ऑन h7 और उसके बाद रुक जो है वो h5 पे चेकमेट हो रही है। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्लैक ने जो है वो रिजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम और आज का ये वीडियो? आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय।